को वापस भेजा गया है, वो इसलिए नहीं है कि बाबा बर्फानी का जो प्राकृतिक रूप से हिमलिंग वहाँ पे लुप्त हो गए हैं उसकी वजह से उन्हें नहीं भेजा गया है। दरअसल जो बालटल और दूसरा रूट है पहलगाम का, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा आज सुबह हुई है और रात भर बारिश होती रही, तो उस ट्रैक में जितने भी आज डुनवन बेस कैंप में या बालटल बेस कैंप में यात्री थे वो पवित्र गुफा की तरह प्रस्थान नहीं कर पाए और इसीलिए जम्मू से यात्रा को रोकना पड़ा चंद्रकूट में, क्योंकि बेस कैंप में अगर वो भी पहुंच जाते और बीते दिन के भी वहाँ पर रहते तो उतनी ज़्यादा शायद कैपेसिटी बैंक वहाँ पर कैंप में नहीं होती और यात्रियों को दिक्कत होती। इसलिए जो ट्रांसशिप है जो चंद्रकूट पर उसको इस्तेमाल किया गया यात्रियों की सुविधा के लिए। हाँ, ये बात सही है कि जो खबरें पवित्र गुफा से आ रही है बाबा बर्फानी केवल 6 दिन में ही लुप्त हुए हैं, उसकी वजह ये है कि पिछले 1 सप्ताह में कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ जो है गर्मी हुई है। और मैं आपको बता दूं, बॉम्बे, दिल्ली और बेंगलुरु से ज़्यादा गर्म जो है तापमान जो है दर्ज किया गया है ज्यादा यहाँ पर श्रीनगर में। और खालिद महत्वपूर्ण आप जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि मौसम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अगर अब तक की संख्या देखें तो करीब 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, आगे भी बहुत से श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं या वहाँ पर अभी इंतजार में है, उनके लिए आगे यात्रा